हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ग्रीन मूंग दाल का चीला सिखाने जा रही हूँ। और ये टूटी हुई एक कटोरी मैंने हरी मूंग दाल ली है, जिसे मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह धोकर इसका पानी निकाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दाल फूल गई है। और मैंने दो प्याज ली हैं, जिनको बारीक बारीक काट लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इस दाल को मिक्सी में पीस लूँगी और थोड़ा सा मोटा मिक्सचर पर पीसूंगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोर्स मिक्सचर है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। और इसी में पीसते टाइम मैंने हरी मिर्च और कुछ गार्लिक क्लोव्स और थोड़ा सा अदरक भी मिला दिया था। ये ऑप्शनल है, आप अपने स्वादानुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब मैं इसमें ये प्याज मिला रही हूँ और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून हींग मिलाई है और 2 टेबल स्पून नमक मिलाया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पैन मैंने गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं तेल डालूंगी। और ये जो बैटर मैंने तैयार किया है, अब ये इस पे डालूंगी और फैला दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये ध्यान रखें कि ये मीडियम साइज़ का चीला बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, क्योंकि अगर आप बड़ा चीला बनाएंगे तो उसको पलटाने में भी दिक्कत होगी और वो चीला टूट सकता है। फैलाने के बाद इसमें 2 to 3 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दूंगी, जिससे कि जब हम पलटेंगे तो इस सतह पे ऑयल रहने की वजह से वो इस तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से सिक जाएगा। ये ऑयल डाल दिया है मैंने, अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये चीला फ्लिप करते हैं, दूसरी साइड टर्न करते हैं। ये देखिए, इस साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड से भी कुछ समय तक सेक कर वेट करना है। अब ये देखिए, 3 से 4 मिनट बाद ये चीला रेडी है। आप इसे किसी भी हरी चटनी, टैमरिंड सॉस या टोमेटो केचप के साथ परोस सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।